नमस्कार दोस्तों, मेज़ कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, यानी सिविल मेज़ कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वी आर द फर्स्ट वन, हम पहले ऐसे हैं यूट्यूब चैनल पे इन इंडिया जो कंस्ट्रक्शन को लाइव लेके आए हैं, और वी आर द फर्स्ट कंपनी जो अपने चैनल पे अपनी कंस्ट्रक्शन को लाइव शो करती है। पर आज किसी कारणवश नेटवर्क इशू की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहें, पता करते रहें कि हाउस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो ये हमारा है विद मटेरियल हाउस कंस्ट्रक्शन, 1500 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया, 1500 से लेके 1900 रुपये स्क्वायर फुट का पैकेज आप ले सकते हैं, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर विश हम मटेरियल लगा देंगे, हम बता देंगे ये मटेरियल लगेगा, और साइट विज़िट भी हम करते हैं। अगर आपने किसी और को काम दे रखा है लेकिन आप साइट विज़िट करवाना चाहते हैं कि काम हमारा प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा अच्छे से तरीके से, तो साइट विज़िट भी हम करते हैं। साइट विज़िट करके आपको पूरा अच्छे से जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी है, या जो आपका बिल्डर घर बना रहा है, या आपने नॉर्मल ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे रखा है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या काम में कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए हम साइट विज़िट भी करते हैं। इतना ही बंद कर दो इसको, ये जो है ना, अब इसको इतना ही बंद कर दो, आगे मत जाना। ये नीचे नीचे वाला पत्थर हटा के जो नीचे का बचा है, सिविल मेज कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाइव नहीं जा पाए हैं, उसका रीज़न है वेदर आज भी ख़राब है, लेकिन वेदर ख़राब है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो आज अकॉर्डिंग टू वेदर कि हमें पता है शाम तक होते होते वेदर इतना ख़राब हो जाएगा कि जो हमने काम किया है उस काम को दोबारा करना पड़ेगा, तो उसी तरीके से चाल चलाई है आज। माफ़ी चाहूँगा तहे दिल से YouTube फैमिली को कि आज लाइव नहीं आ पाया। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसे रहेगा हमारा कि जो हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन को बनाने के लिए हमारा क्या रहता है आजकल, रहता है फ्रेम स्ट्रक्चर, रहता है हमारा फ्रेम, और इससे पहले क्या था, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर रहता था। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता था, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में होता था कि हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ कैसे होता था। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले मोटे मोटे पत्थर से और छोटे छोटे पत्थरों को करके अंदर इसको अच्छे से करके एक बेस तैयार किया जाता था, और इस बेस के ऊपर आपका ब्रिकवर्क चलता था। तो ये ब्रिकवर्क चलता गया हुआ है, तो ये है हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर कोई कॉलम नहीं होता था, कोई फुटिंग नहीं होती थी, फुटिंग के नाम पे बड़े बड़े पत्थर होते थे जो पूरे लोड को अपने ऊपर उठाते थे। तो इसके अंदर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में, अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है आपने पत्थर लगाए, पत्थर नहीं लगा सकते आप, तो पहले पत्थर लगाते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे मॉडिफिकेशन हुआ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही, नीचे आपकी 40-40 50-50 इंची की रद्दे लगाने लगे, मतलब नीचे का 50 इंची का रद्दा, फिर उसको ले जाते 9 इंची का रद्दा ऊपर तक चलता था। तो ये बेस है, बेस के ऊपर 9 इंची का ब्रिकवर्क है, और फिर इसके ऊपर जहाँ पे आप वहाँ देख रहे हैं साइड में पहले से ही कुछ दरारें आई हुई हैं, यहाँ पर ये लेंटर है या एक गाटर टुकड़ी है यहाँ पर। तो अब हमें कॉलम अपना खड़ा करना है, तो उसके लिए जो हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो नीचे की जो नींव है वो अपने एरिया में ना होके इस प्लॉट के एरिया में आई हुई है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि जितना हमें फुटिंग की नीड है तो उसको हम काट लेंगे। काटने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे से ब्रिकवर्क से दोबारा जुड़ा दिया है, हल्के हल्के पोर्शन में हम इसको लेते गए हैं कि थोड़ा पोर्शन लिया ब्रिकवर्क कर दिया, फिर थोड़ा पोर्शन लिया ब्रिकवर्क कर दिया, फिर थोड़ा पोर्शन लिया ब्रिकवर्क कर दिया। जब इतना पोर्शन हमारा फुटिंग का हमारे पास आ जाएगा, तो आज हम यहाँ पर फुटिंग प्लस कॉलम करके इसको ऊपर खड़ा कर देंगे और फुटिंग को भी भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक हमारा हो गया है, दूसरा ये हो रहा है, तीसरा भी हो जाएगा, चौथे से वहाँ से हमने मिट्टी निकाल दी है उसको भी भर देंगे। तो ये अच्छे से इसको भर के इसको बेस भी दे देंगे हम अच्छे से, ताकि जो नेबर है हमारे उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मसाला दे दियो,
मसाला ख़त्म हो गया तो और बना हुआ है ना, दशरथ को भी दे दियो, राजेंद्र को भी दे दियो। वो इन आवर इंजीनियरिंग लैंग्वेज जो मसाला होता है, मसाला को हम कहते हैं मिक्सचर, और कंक्रीट मिक्स भी कह सकते हैं आप। जो रोडी क्रेशर का बनता है उसे मोर्टार मिक्स कह देते हैं, अलग अलग रहता है। कंक्रीट भी बोल देते हैं। अब ये कंक्रीट तब बोलेंगे जब इसके अंदर हम एग्रीगेट भी डाल देंगे, अब हमें कंक्रीट बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको मिक्सचर ही बोल देंगे, खाली मिक्सचर बोल के हमारा काम हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती हैं एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में। अब जैसे बैड वेदर था, तो बैड वेदर की वजह से आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पानी भर गया। अब पहले हमें इस पानी को निकालना पड़ेगा, अब इसमें इतनी मेहनत हमारी दोबारा लग जाएगी। हमने ये पूरी दरेसी करा रखी थी इसकी, यानी इसको अच्छे से अलाइन कर रखा था। अब जो इसकी दरेसी हो करनी पड़ेगी हमें दोबारा पानी निकालने के बाद, तो वो भी हमें करनी पड़ेगी। लेबर की ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है इसके अंदर काम में, नहीं तो अभी तक फुटिंग हमारे खड़े हो जाने चाहिए। प्लस यहाँ की वजह से भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है।